लखीमपुर खीरी में किसान समेत 8 लोगों की मौत के बाद बवाल मचा हुआ है। लखीमपुर जिले में धारा 144 लगा दी गई है। लखीमपुर खीरी में हिंसा और ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए वह किसी भी पार्टी के नेता को जाने की अनुमति नहीं है। पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के विमानों को भी लखनऊ ना उतरने देने के आदेश यूपी सरकार ने जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंजाब के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर उनसे पंजाब से किसी को भी लखीमपुर खीरी के लिए रवाना ना होने देने की अपील की है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी जाने की जिद पर अड़े हुए थे, लेकिन उन्हें लखनऊ में ही रोक दिया गया। फिर अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ लखनऊ में ही धरने पर बैठ गए और बाद में अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार किसानों पर क्रूरता कर रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से रोके जाने पर अखिलेश यादव ने अपने ही आवास के बाहर धरना देना शुरू कर दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश की थी, लेकिन आज सुबह 4 बजे प्रियंका गांधी को भी हर गांव में रोक लिया गया और उसके बाद उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। गौरतलब है कि रविवार को लखीमपुर खीरी में हिंसा हुई और आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिससे 4 किसानों की मौत हो गई और उसके बाद बवाल मचा हुआ है और अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। गुस्साए किसानों ने गाड़ी में भी आग लगा दी थी। लखीमपुर खीरी की ओर जाने वालों को रोकने के लिए नेशनल हाईवे 9 और 24 को बंद कर दिया गया है। स्काई न्यूज ग्लोबल रिपोर्ट। गाड़ी बंद कर दी।